बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस बदलाव संकल्प महासभा में हमारे बीच उपस्थित जन जन के दिलों में धड़कने वाले युवा सम्राट और झारखंड के हम कहें कि भविष्य के निर्माणकर्ता हमारे बीच जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयराम महतो जी, प्रधान महासचिव भाई फरजान खान जी, दीपक रवानी जी, अगुआ आंदोलनकारी साथी डुमरी से चलकर आए भाई मोतीलाल महतो जी और मंचासीन तमाम बुजुर्गों, पदाधिकारी शास्त्रीगण, माताएं बहनें और इस बदलाव संकल्प महासभा के साक्षी बन रहे यहाँ पर उपस्थित विशाल जनसमूह में उपस्थित हमारे नौजवान साथियों, माताओं बहनों, प्रेस मीडिया के साथियों, आज यह बताने की जरूरत नहीं है कि हमें बगोदर से यहाँ क्यों आना पड़ा है। निश्चित तौर पर अगर हम देखते हैं कि आपका महोदय गया पथलगड़िया का क्षेत्र अगर विस्थापन का दंश झेल रहा है तो हमारा बगोदर भी पलायन का दंश झेल रहा है। यह कहीं से कहने की जरूरत नहीं है कि हम सभी को अगर किसी ने बांधा है तो वो है आज तक का जो हमारे बीच का उत्पीड़न हुआ है, हमने जो दर्द सहा है उसी दर्द में हम सभी को एक साथ जोड़ने का काम किया है और उस जोड़ने वाले नाम का नाम है जयराम महतो, जो सभी को उस एक साथ पिरो करके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। या कहीं ना कहीं हम लोगों को समझना पड़ेगा कि आज 23 साल के झारखंड में हम लोगों का आखिर क्यों ऐसा दंश झेलना पड़ रहा है, क्यों बगोदर से बालू लूट रहा है, क्यों आपके महुदा के पत्थरगड़िया से कोयला लूट रहा है, क्यों हम लोगों का मालिकाना हक मिल रहा है। यह एक बहुत बड़ा लक्ष्य प्रश्न उठ करके हमारे बीच आ रहा है। यह सोचना पड़ेगा कि जब बड़े बड़े नेताओं के बेटे आज महलों में ऐसे कमरा में आराम कर रहे हैं तो जयराम महतो, मोतीलाल महतो, दीपक रवानी और तमाम साथियों को यहाँ इस धूप में बैठना पड़ रहा है, आखिर इसकी जरूरत क्यों आ पड़ी है, इस पर विचार करना पड़ेगा। आज हम लोगों को तय करना पड़ेगा कि आखिर झारखंड को किस दिशा में ले जा रहा है। वो जो नेता आज तक 23 सालों से ले जा रहे हैं उस दिशा में आगे बढ़ा रहा है, या फिर जयराम महतो जिस दिशा में ले जा रहे हैं उस दिशा में हमें झारखंड को आगे ले जाना है। इस पर हमें विचार करना होगा और संकल्प लेना होगा आने वाले 2024 को लेकर के, आखिर हमें क्या करना है, इन युवाओं के हाथों में सत्ता देनी है या फिर ठगे लोगों के हाथों में पुनः सत्ता देना है जिन्होंने पिछले 23 वर्षों से हमें ठगने का काम किया है। युवा को सरकार बनाना, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा आज की सभा में, बस दो बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पूरे 5 साल तक हम अपनी समस्याओं पर रोते रहते हैं, हम अपनी समस्याओं पर आलाप लगाते रहते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो हम भूल जाते हैं उन समस्याओं को। हमें सिर्फ याद आता है कि हमारी जाति का नेता कौन है, हमारे संप्रदाय का नेता कौन है, हमारे वर्ग का नेता कौन है। हम भूल जाते हैं कि हमें अच्छे नेता को चुनना है, हम भूल जाते हैं कि हमें एक ईमानदार व्यक्ति को चुनना है, और हम करते क्या है कि दारू दुर्गा में अपना वोट को बेच देते हैं, जाति और धन के नाम पर अपना वोट को बेच देते हैं और पूरा 5 साल तक अपनी समस्याओं को लेकर के कोसते रह जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको याद रखना है उसी दिन उन समस्याओं को जिसको उन्होंने देने का काम किया आपको, और उसको मद्देनजर रखते हुए आपको मतदान करने के लिए आगे जाना चाहिए। भूल जाइए 500 रुपए को, भूल जाइए दारू मुर्गा को, भूल जाइए उस दिन जात को, भूल जाइए उस दिन अपने धर्म को, क्योंकि तोड़ेंगे लोग आज ही तोड़ने का काम करते हैं। मैं जहां भी जाता हूं मुझसे लोग कहते हैं कि जयराम महतो जी संगठन को लेकर के चल रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हमें बहकाने के काम करते हैं कि वो संगठन तो महतो का संगठन है, कुर्मी का संगठन है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज मंच पर बैठे हुए फरजान खान कभी कुर्मी है, मंच पर बैठे हुए दीपक रवानी कभी कुर्मी है, मंच पर जीत दे रहा है दिनेश साहू, क्या ये कुर्मी है? अब जाके देखिए सैमर हाबू हो, चाहे मनोज यादव हो, चाहे सुशील मंडल हो, क्या ये कुर्मी है? आप कहीं भी उठा करके देख लीजिए, इनके दिलों में जरा सा भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। हमेशा हर वर्ग हो, हर समुदाय को मिलाकर के चलने वाले नौजवान है। बस जरूरत है आपके साथ का, जरूरत है आपके सहयोग का, जरूरत है आपके मार्गदर्शन का, और जरूरत है थोड़ी सी आपकी ईमानदारी का। अगर लोकतंत्र को बचाना है, झारखंड को बचाना है, तो जगाइए अपने जमीर को और आवाज दीजिए
हमारे जयराम मातों के साथ इस झारखंड के नव निर्माण में हम एक दूसरे के साथ हैं। न जाति पर वोट करेंगे और न धर्म पर वोट करेंगे और न पैसा लेकर के वोट करेंगे। हम वोट वही करेंगे जहाँ जेबी के एसएस का निशान होगा, जहाँ जयराम मातों का इशारा होगा, जहाँ जयराम मातों का उम्मीदवार होगा, हम उसी के समर्थन में खड़ा रहेंगे। इन्हीं जन शब्दों के साथ और इसी अपील के साथ आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत आभार, जोहार, धन्यवाद।